इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। अहम खबरों पर एक नज़र। आज सुबह आवाम के चेहरे पर एक तरह की लॉकडाउन खत्म होने की खुशी महसूस की जा रही थी। तकरीबन 2 महीने से भी ज्यादा अरसे से लोग घरों में बंद थे, जो आज आज़ादी के साथ अपने अपने कामों में लोग मसरूफ होते दिखाई दे रहे थे। सुबह से ही सवारियां आवाम की चहल पहल देखी गई। दोपहर में ट्रैफिक जाम की तरह नज़ारा देखने को भी मिला। कुछ लोगों ने इससे आवाम एहतियात न बरतने की बात कह रही थी, पर पिछले कई दिनों से कारोबार, नौकरियां, फैक्ट्रियां, बाजार बंद था तो भीड़ तो रहेगी। क्या यह लोग और भी लॉकडाउन चाहते हैं? खैर, भीड़ तो रहेगी। हर कोई दूसरे को मशवरा देना चाहता है पर खुद अमल नहीं करना चाहता। जो भी लोग भीड़ पर एतराज कर रहे हैं, सच देखा जाए तो वो खुद भी इस भीड़ का हिस्सा ही थे। कहने का मतलब, भीड़ तो रहेगी, हर कोई बेमतलब घूम नहीं रहा था। यह जिंदा रहने की दौड़ है भाई, हर कोई रोजी रोटी के लिए यहाँ से वहां दौड़ रहा है। इसका गलत मतलब ना निकालते हुए यह ना कहे कि आवाम नहीं सुधरेगी, फिर पॉजिटिव मरीज बढ़ेंगे, फला फला, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बाजार का रुख कर रहा है, कोई बेवजह नहीं घूम रहा। सड़कें, गलियां इतनी छोटी हैं कि बाज़ औक़ात ट्रैफिक जाम हो जाता है, और यह जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है। और वैसे भी 2 महीने बाद आवाम घरों से बाहर निकल रही है, तो 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे सड़कों पर भीड़ कम होने में। हम दूसरों को सड़क पर देखना नहीं चाहते, पर हम बाजार में जब जाते हैं तो सड़कें खुली हो, वरना तीसरी लहर का अंदेशा दिखाई देने लगता है। कुछ नहीं होने वाला, हर फर्द को अपने हिसाब से जिंदगी जीने की आजादी दी जाए। क्या पता कौन किस मुसीबत में मुबतला है। हमारा तो अब काम ही बन गया है कि हम दूसरों को तंज करते रहे। कोरोना की लहर आएगी तो दूसरों के बाजार में जाने से खुद 10 मरतबा चक्कर काट कर आएंगे, इस पर कभी तवज्जो नहीं देंगे। लिहाजा भीड़ 2-4 दिन रहेगी, फिर अपने आप हर कोई अपने रोजमर्रा की मसरूफियत में लग जाएगा। जिस जहनी दबाव में जहनी बीमार बनकर घर में बैठा था, अब कुछ मुस्कुराते हुए घर से निकल रहा है। खुशियों को आम करे, इंसान को अल्लाह ने आजाद बनाया, कैद इसकी फितरत के ऐन खिलाफ है। लिहाजा सिर्फ सोशल मीडिया पर भीड़ की तस्वीरें अपलोड कर फिर तीसरी लहर, फिर पॉजिटिव बढ़ेंगे जैसा खबरें फैलाने से अपने अपने कामों में लग जाओ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आज वैक्सीनेशन के नाम पर लसी का मेला का एहतमाम किया गया था, जिसमें तारीख 80,000 के करीब वैक्सीनेशन देने की बात कही जा रही है। महज एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन देने का यह पहला मौका रहा। कोविन साइट के मुताबिक महज 5 निजी और 495 सरकार की जानिब से वैक्सीनेशन किया गया। आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 93 रही और एक की मौत दर्ज की गई। आज बसेस को फिर शुरू किया गया, यह भी इत्मीनान बख्श बात रही कि आज से दिगर जिलों के लिए बेलगाम मरकजी बस अड्डे से बसेस की नकल व हरकत शुरू हुई। आवाम की जानिब से अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा। कोरोना दौर में बसेस बंद होने की वजह से करोड़ों का घाटा KSRTC को सहना पड़ा। कोरोना से मरने वालों को 5 लाख की हुकूमत की जानिब से मदद करने का ऐलान DC बेलगाम की जानिब से किया गया। SC ST OBC तबके को हुकूमत 1 लाख रुपया बतौर इमदाद और 4 लाख बतौर कर्ज दिया जाएगा, जिस पर 6% सूद रहेगा। ऐसा भी कहा गया 24 तारीख से पहले दस्तावेज जमा करने की हिदायत भी दी गई। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नज़र। दहली फसाद में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाकर दहशतगर्द की दफाओं के तहत नताशा देवांगना और इकबाल तन्हा को रिहा किया गया। जब इनसे पूछा गया कि क्या तुम्हें कम उम्र में दहशतगर्दी के जुर्म में जेल में डाल दिया गया, कभी अपने करियर को लेकर अफसोस हुआ कि गलती हो गई, तो इकबाल तन्हा ने यह इशार पड़े, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरते हों, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हों, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जेलों में डाले जाते हों, जहां मजबूरों के खून से अपने पाप भी धोए जाते हों। कहते हैं अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहता है वो ले ही लेता है। अब यह बात कुछ लोगों को मानने में कुछ हद तक अजीब लगेगी कि दिल्ली फसाद के लिए जिन्हें जिम्मेदार मानकर UAPA जैसे खतरनाक दफाए लगाकर 13 महीने जेल की अजियतों को बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया। खासकर जिक्र करना हो तो देवांगना कलिता नताशा अग्रवाल, यह 2 लड़कियां जिन्होंने जेल से बाहर आकर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें जेल में जाने का जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं रहा, क्योंकि हमने जो जंग लड़ना था हमें यकीन था कि यह गलत नहीं है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क में एक समाज के खिलाफ जिस तरह जुल्म ज्यादती की जा रही है, इसके लिए हमें और भी अपने जहन को पहले से ज्यादा तैयार रखना होगा।
क्योंकि हुकूमत और भी नए नए हरबों से तकलीफ दे सकती है। वजह रहे कि दिल्ली फसाद में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अकलीती समाज के कई अपराधों की लाशों को मारकर नालों में डाल दिया गया था। नताशा अग्रवाल, देवांगना कलिता, जो आज जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं, आखिर क्या बात थी कि देवांगना कलिता और नताशा अग्रवाल, इकबाल अहमद तनहा जो कह रही हैं कि आगे और भी संघर्ष करना है, जेल जाने के बाद और भी जिम्मेदारी बढ़ने की बात कही जा रही है। आज इस मौजू पर बात करना इसलिए भी जरूरी समझूंगा क्योंकि क्या जिनके लिए ये कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां जिस तरह से कुर्बानी पेश करने के लिए आगे आ रही हैं, क्या उस कौम को जरा बराबर भी एहसास है जिनके लिए जेलों में वो लोग जा रहे हैं जिनका वैसे भी तुम्हारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मजहब इंसानियत के खातिर, एक तबके पर हो रहे जुल्म के खातिर आवाज को बुलंद करना, जिसकी बिना पर दहशतगर्दी जैसे खतरनाक इल्जाम लगाकर जेल की अजियतों के हवाले करना और उसे मुस्कुराते हुए सहना, इस कौम के वो लोग इबरत ले पाएंगे जो आज भी ख्वाब गफलत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई मरतबा इस मुल्क में हुआ है, क्योंकि कुछ लोग आज भी जिंदा है जो जालिमों की आंखों में आंखें डालकर हक के परचम को बुलंद करने की तहरीक को गले लगा चुके हैं। पर यहाँ सवाल फिर वही उठता है कि जिस कौम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आखिर यह खामोश क्यों है? आखिर कौन से दीनी फराइज अंजाम देने में यह मसरूफ है कि इन्हें हक और ना हक का फर्क ही मालूम नहीं हो रहा? वाकई जब जेल से बाहर आने के बाद देवांगना कलिता और नताशा अग्रवाल ने यह कहा कि सैकड़ों बेगुनाहों को जेलों में इसी दहशतगर्द के इल्जाम में लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया गया जिसके खातिर लड़ना है, यकीनन यह लड़कियां जिन्हें जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाते हुए जेल तक का सफर किया, क्या इनकी यह कुर्बानी मजलूम कौम को क्या पैगाम दे रही है? और अगर खुलकर कहा जाए तो मुस्लिम समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कॉलेज के तलबाओं ने आवाज उठाई, इनके बेखौफ चेहरे और रिहाई के बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे, इनकी मुठ्ठियां उठाते नारे क्या जिस मजलूम कौम के लिए दे रहे हैं इन पर कुछ तो फर्क पड़ेगा? मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम हक के खातिर ना लड़ोगे तो अल्लाह दूसरी कौमों को खड़ा कर दे जो तुमसे बेहतर बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी, और यही नजर आजकल देखने को मिल रहा है। और बुजदिल कौम से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? दिल्ली मरकजी हुकूमत के मातहत ही पुलिस अपने खिदमात अंजाम देती रहती है और यहाँ सीधे गृह मंत्री यानी वजीर दाखला अमित शाह का दखल रहता है। अब सोच ही सकते हैं कि किस तरह के क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता होगा। नताशा, देवांगना और तनहा की रिहाई इसलिए भी गैर मामूली समझूंगा कि जिन लोगों के घर वाले इस फसाद में मारे गए उस मोहल्ले उस गली की जमातें भी खामोश इसलिए हो गई क्योंकि दिल्ली पुलिस सैकड़ों नौजवानों को जेलों में डाल रही थी। एक और शख्स जिसका नाम शाहरुख था आज भी जेल में बंद है, पर जिसने शाहीन बाग में रिवॉल्वर निकालकर गोलियां चलाई थी वो कपिल गुज्जर तो कब कर रिहा हो गया। मैं शाहरुख की ही बात नहीं पर पूरा समाज इस तरह खामोश नजर आ रहा है जैसे इसे कुछ मालूम ही नहीं। नताशा, देवांगना की बातें उन नाम निहाद दिनदारों के लिए सोचने के लिए काफी है क्योंकि हमें दुनिया में बेहतर जिंदगी जीने और महदूद दीनी अमाल करने को ही सब कुछ समझ लिया है। हर कोई अपने आप को दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। फिर एक अरसे से मसलकी इख्तलाफ के दायरों से अब तक बाहर नहीं आए, बहुत छोटी सोच माशरे में पनपती नजर आई है। उलमाए दीन के सामने दूरअंदेशी का कोई मौकूफ कोई फिरासत नजर नहीं आ रही। सियासी पार्टियों ने भी अपने अपने मौलानाओं को रखा है, जब चुनाव आते हैं तो कोई समाजवादी पार्टी को, तो कोई बीएसपी, कोई कांग्रेस को, कोई जनता दल को वोट डालने के लिए ऐलानात मिंबर से करता है। मुसलमानों के खिलाफ हो रही साजिशों पर या आरएसएस बजरंग दल जैसे फिरका परस्तों पर शायद ही कोई जुमा के खुतबे में बयान करता हो। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं फिर हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने के मंसूबे हुकूमतों की जानिब से बनाए जा रहे हैं, पर उम्मत को या फिर मुल्क के संविधान को बचाने के लिए कोई तहरीक किसी दीनी तंजीम दीन जमातों की तरफ से नहीं चलाई जाती। जुमा के रोज बयानात हालात हाजरा पर कहना शायद अब गुनाह समझा जा रहा हो। फिर हुकूमत के खौफ ने, पुलिस के डंडे, जेलों की अजियतों ने गोया इनकलाबी जज्बे को ही खत्म कर दिया। बेहतर और ऐश परस्ती का आदि आज का मुसलमान होता दिखाई दे रहा है। यकीनन जितने भी गैर मुस्लिम नौजवान तालिबे इल्म जेलों में हक के खातिर कुर्बानी दे रहे हैं उस कौम के नौजवान और दीनी रहनुमाओं को इबरत लेना होगा। जब से मुल्क आजाद हुआ है महज आवाम को ही जेलों में जाना पड़ता है, शहीद आम इंसान ही होता है, मुकदमे में भी आम लोगों को ही मुलविस किया जाता है, पर रहनुमा फिर सियासी हो या दीनी कहीं नजर नहीं आते। अब वक्त आ गया है कि फिजूल मसले मसाइल में उलझने से और उम्मत को उलझाने से बाज आ जाए। नमाज के लिए हाथ ऊपर बांधना है या नीचे, इस पर बहस करने का अब वक्त नहीं रहा।
दीनी किताबें किस मसलक की सही है या फिर कौन सा मसलक जन्नती है या फिर हक पर कौन है, इस पर हमने जिंदगी का तकरीबन हिस्सा वैसे भी जाया किया हो, बजाय इसके जरूरत है कि इंसाफ के लिए आवाज उठाने की जरूरत पैदा करनी होगी। समाज के दबे कुचले तबके के लिए मैदानों में खुल कर आए, फिर इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े देने की हिम्मत हमारे अंदर पैदा करनी होगी। मुल्क के संविधान आईने हिंद के तहफ्फुज, मुल्क में भाईचारे को कायम रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश हमारी जानिब से होनी चाहिए। और जब हम यह तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे तब परवाह नहीं करनी होगी कि इख्तदार में कितना ताकतवर शख्स या कितनी ताकतवर पार्टी बैठी है, तब जाकर पहले वाले भारत को देख सकेंगे जिसके लिए मुल्क की आज़ादी के लिए सैकड़ों मुल्क के वफादारों ने अपनी जान गंवाई थी और इसे आज़ाद किया था। इसके लिए सभी धर्म मजाहिब के लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की थी, जैसे एक बार फिर नताशा अग्रवाल, देवांगना कलिता या फिर तन्हा ने जेल जाकर उस चिंगारी को फूंकने की कोशिश की है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।